सीतापुर में नकली सरसों तेल बनाने का खेल हुआ उजागर। खाद्य विभाग की टीम ने देर शाम छापा मार कर नकली सरसों तेल बनाने का किया भंडाफोड़। मिलावट करने वालों में मचा हड़कंप। लहरपुर स्थित लालपुर बाजार में बनाया जाता था नकली सरसों का तेल। एंगल इंटरप्राइजेस की दुकान पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मार कर किया भंडाफोड़। खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक संगम जायसवाल नकली तेल बनाकर करता था सप्लाई। सरसों के तेल के साथ राइस ब्रॉन ऑयल और मिक्स राइस ब्रॉन ऑयल सरसों तेल को था बनाता। तेल बनाने में हरे रंग का भी करता था इस्तेमाल। खाद्य विभाग की टीम ने लिए नमूने। 196 तेल के पीपों को किया सील। इसमें सरसों तेल के 85 टीन, राइस ब्रॉन ऑयल के 99 टीन और मिक्स राइस ऑयल ब्रॉन सरसों के 12 टीन को किया गया सील। छापा मारने वाली टीम में पुलिस की भी टीम रही शामिल। टीम में खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त अभय कुमार, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय त्रिपाठी, राजेंद्र पांडे, विनय कुमार, प्रदीप कुमार रहे शामिल। इस छापामार कार्रवाई के बारे में खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त अभय कुमार सिंह ने आई इंडिया को जानकारी दी। पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा लालपुर बाजार में श्री संगमलाल के यहाँ छापा डाला गया। यहाँ पहले से खबर मिली कि इनके द्वारा लूज ऑयल पैक टीना का बेचा जाता है, तो उसमें जो है कुल मिला के 3 तेल के नमूने और एक अपमिश्रक कलर का नमूना लिया गया है। जो है 3 तेल में एक सरसों तेल का है जिसके कि 85 टीन सीज कर दिया गया है। इसके अलावा जो है राइस ब्रांड ऑयल के 99 टीन, उनका एक अलग नमूना लेके उसको सीज कर दिया गया है। उसके साथ जो है एक मिश्रित तेल था जिसमें इन्होंने राइस ब्रांड और सरसों दोनों मिलाया हुआ था और उसमें कलर भी मिलाया हुआ था। उस कलर व उसके 12 टीना इन्होंने बना के रखे थे, उसको भी सीज कर दिया गया है। उसका भी नमूना लिया गया है, प्लस कलर का भी अलग से नमूना लिया गया है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की पूरी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ टीम में हमारे साथ जो है स्वाट प्रभारी सत्यन विक्रम सिंह भी थे और इसके साथ लोकल थाने के सपोर्ट था। और हमारी टीम में जो है मैं अभय कुमार सिंह खाद्य सहायक आयुक्त खाद्य के साथ जो है मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी सिंह, श्री संजय कुमार त्रिपाठी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री विनय कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री राजन पांडे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इतने लोग टीम में थे। इसके साथ जो है कार्रवाई की गई, आगे की विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। ये जानकारी मिली थी, जानकारी प्रेस करते हुए इस स्थान का सूचना उप वीरों के द्वारा, अदर लोगों के द्वारा पता लगा था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। जी जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।